हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस साइंस के वीडियो की जो सीरीज़ है, ये 5 है, जो कि इसमें हम 201 से 250 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। 201 कह रहा है कि भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। तो याद रखिएगा, 24 घंटे होते हैं इनकी आवर्तकाल जो होती है। हमारे जो उपग्रह का आवर्तकाल है उतना ही उपग्रह का भी है। जो 202 कह रहा है कि परास्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। याद रखिएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और श्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है, आप कमेंट करिए, हमें बताइएगा। प्रसरव तरंगे जो होगी वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। श्रव्य तरंगे की आवृत्ति आपको बताना है, कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 203 कह रहा है आवृत्ति की इकाई क्या है। आवृत्ति की जो इकाई है वो हर्ट्ज है। क्वेश्चन 204 कह रहा है 1 किलो चीनी का भार कहाँ सबसे अधिक होगा। याद रखिए, समुद्र तल पर सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन 205 कह रहा है चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है। हिपोक्रेटस, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिपोक्रेटस है। 206, ल्यूमेन किसका मात्रक है। याद रखिएगा, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्वेश्चन 207 कह रहा है हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा, वो फट जाएगा। क्वेश्चन 208 कह रहा है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें जो व्यक्ति है, स्थित व्यक्ति है, उसका भार क्या होगा। याद रखिएगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन 209 कह रहा है लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है क्यों। क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा संभव हो पाता है। क्वेश्चन 210 कह रहा है बैरोमीटर में पारे का तल जो है एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है। तूफान को आना प्रदर्शित करता है। जो बैरोमीटर में पारा है जब एकाएक गिरता है तो इसका तूफान आने का संकेत होता है। क्वेश्चन 211 कह रहा है एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की आयु का ताप क्या होगा, बढ़ जाता है। जब कमरे में पंखा चलता है तो जो कमरे की आयु की जो ताप है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन 212 कह रहा है गर्म जल 90 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लगता है। तो आप बताइए 80 डिग्री से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा। याद रखिएगा, 10 मिनट से अधिक होगा। अगर फिर 60 से 70 होगा तो उससे भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे होगा। क्वेश्चन 213, दो वेक्टर जिनका मान अलग है वो जो होंगे, कह रहा है कि दो वेक्टर जिनका मान अलग है वो जो होगा परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 214 कह रहा है कि पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पाली का तल क्या होगा, वही रहेगा। क्वेश्चन 215 कह रहा है ध्वनि तरंगे किस में नहीं चलती हैं। निर्वात में नहीं चलती हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 216 कह रहा है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है इसलिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज को ऊंच या निम्न करने के लिए।
क्वेश्चन 217 कह रहा है, बांध के नीचे की जो दीवार होती है और दीवार होती है वो मोटी बनाई जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो दाब है वो बढ़ जाता है, इसलिए बांध की जो दीवार है नीचे जो होती है वो मोटी होती है। क्वेश्चन 218 कह रहा है, द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। क्वेश्चन 219 कह रहा है, रेत जो है एक यौगिक है, उसी तरह विरंजक चूर्ण भी एक यौगिक है। क्वेश्चन 221 कह रहा है, गैसों की श्यानता की जो ताप के बढ़ने पर क्या होती है, वो भी बढ़ती है, गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पे बढ़ेगी। क्वेश्चन 222 कह रहा है, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने से इसके अंदर की जो जीव जंतु हैं जिंदा रहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो बर्फ के नीचे जल होता है उनका जो तापमान होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, इसलिए जीव जंतु जो होते हैं उसके अंदर जीवित रहते हैं। क्वेश्चन 223 कह रहा है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि क्या होती? दिन की अवधि अधिक होती। क्वेश्चन नंबर 224 कह रहा है, विद्युत मोटर निम्न किस सिद्धांत के अनुसार करता है कार्य करता है? तो विद्युत मोटर जो है वो फैराडे के नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन 225 कह रहा है, कौन सा बम जीवन को तो नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? वो न्यूट्रॉन बम है जो जीवन को नष्ट कर देगा लेकिन भवनों को क्षति नहीं पहुंचाता है। क्वेश्चन 226 कह रहा है, परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन जो है परमाणु बम में कार्य करता है। 227 कह रहा है, प्रकाश विद्युत सेल किससे किस में परिवर्तित होता है? तो प्रकाश को विद्युत में बदलता है, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में। क्वेश्चन 228 कह रहा है कि घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो याद रखिएगा समानांतर क्रम में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 कह रहा है, एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो रॉन्टिजन ने किया था। क्वेश्चन 230 कह रहा है, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? पिच ब्लेंड जो है वो रेडियम का एक अयस्क है। क्वेश्चन 231 कह रहा है, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें क्या होंगी? वो अल्फा बेटा और गामा तीनों हो सकती हैं। 232 क्वेश्चन 232 कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यानी जेम्स चैडविक जो थे वो न्यूट्रॉन की खोज किए थे। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो आप कमेंट करिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 233 कह रहा है, द्वि नाम पद्धति के प्रतिपादक हैं कौन है? कार्नवान लिनियस, द्विनाम पद्धति, द्विनाम जो है पद्धति के यही प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन 234 कह रहा है, अमोनिया क्लोराइड का घोल है एसिडिक, एसिडिक जो है अमोनिया क्लोराइड का एक घोल है। क्वेश्चन 235 कह रहा है कि शीतलीकरण में कौन सा जो तत्व है ऑक्साइड है? नाइट्रोजन जो है शीतलीकरण में एक ऑक्साइड है। क्वेश्चन 236 कह रहा है, मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो एस्ट्रोजन जो होता है वो तेजी से वृद्धि करता है। क्वेश्चन 237 कह रहा है, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है 1972 में, प्रोलॉग जो भाषा है 1972 में इसका विकास हुआ। उसे 238 क्वेश्चन कह रहा है, बैकबोन संबंधित किससे है? इंटरनेट से।
बैकबोन इंटरनेट से रिलेटेड है। वेब जो है अस्तित्व में आया कहाँ? अमेरिका में। तो वेब का जो अस्तित्व है वो अमेरिका से है। क्वेश्चन 240 कह रहा है, कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? याद रखिएगा, आर्गन जो है वो अक्रिय गैस है और वातावरण में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन 241 कह रहा है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आयरन और क्रोमियम को मिलाकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन 242 कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में भार ले जाने पर तार नहीं चमकता, ऐसा क्यों? क्योंकि तंतु का जो प्रतिरोध है वो तारों की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण तार नहीं चमकता है लेकिन उसका तंतु जो है वो चमकता है। क्वेश्चन 243 कह रहे हैं, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो याद रखिएगा, 746 वाट। कह रहा है कि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये एक क्या है? उपधातु है। आपको चूज करना है कि उपधातु कौन कौन है। तो आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। कह रहा है 245, अमोनिया जो है एक यौगिक है। अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। क्वेश्चन 246 कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन 247 कह रहा है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर के तहत जो होता है पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन 248 कह रहा है कि यौगिक कौन सा है? तो ये ऑप्शन फॉर्मेट में है, यानी अमोनिया जो है एक यौगिक है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन 249 कह रहा है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, तो मेज का जो होगा कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोणीय वेग पर उसे कोणीय वेग जो होगा कम हो जाएगा। तो वही है, कह रहा है फिर से 249 देख लेते हैं। कह रहा है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर एक अचानक लड़का बैठ जाता है, तो मेज जो होगा कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। 250, बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। तो ये 250 क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।